I am not discussing political law because this is not the forum to discuss politics. But one thing which I must make a mention, when Prime Minister Modi talked about doubling the income of the farmers within 5 years, what does it mean? In my opinion, it means, I am not an economist or I don't have any knowledge of economics, but I know for certain, Sirsa like district, if this project of doubling the income, Sirsa can't have double the income, it will have 4 times the income. Double would be only where there is total scarcity, there is no system of irrigation, only God is kind enough if something comes better for them. तो मैं मैंने किसी एक इकोनॉमिस्ट से पूछा, मैंने कहा भैया हमारे को तो हिसाब किताब नहीं, आप एक बात बताओ, अगर डबल इनकम हो जाएगी तो क्या है मोटे तौर पे? कहने लगा जी कि एक तो आपकी जो जीडीपी है विच इज 7%, जो अभी लेटेस्ट जो फिगर्स हैं, इफ इंडियाज रूरल पॉपुलेशन इनकम गेट्स डबल, देन द जीडीपी वुड हैव ए क्वांटम जंप, दैट वुड बी इन डबल डिजिट, इफ इट इज 7% इट मे बी 10% 11%। सो इस और दूसरी बात उसने बताई कि कम से कम 20 लाख करोड़ रुपया वो फ्लो करेगा, मतलब इट विल चेंज हैंड्स। तो जिस सिस्टम में, जिसको हम फिस्कल डेफिसिट बोल देते हैं, दैट इज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, के वो रोटेट करेगा वो पैसा, और जितना पैसा रोटेट करेगा उसका उतना ही इकोनॉमिकली जो मैन हु इज सिटिंग इन द लास्ट ही विल गेट बेनिफिटेड। मैंने ये बात जब कही तो उस पे मुझे ख्याल आया कि जो डीमोनेटाइजेशन की बात थी, नोटबंदी की, उसका भी बेसिस यही नजर आया जब उसने मुझे ये फिगर्स दी। यानी जो 1000 के नोट थे वो बैंक रिजर्व बैंक से और बैंक में जाते थे, तो उन 1000 के नोट को जो लेके आता था बैंक से, उसमें से 67% ऑफ द अमाउंट वाज नेवर इन सर्कुलेशन। अगर मैं हजार हजार के 100 नोट लेके आया तो मेरे 33 नोट बाजार में घूमेंगे, 67 तो मेरे घर में है, मेरे लॉकर में है, या मेरे कहीं ना कहीं मैंने उसका वो सर्कुलेशन में नहीं है। और यही हाल 500 के नोट का था, तो लोगों ने उसको गलत भी समझा कि हाँ ये तो परेशानी भी उठानी पड़ी। लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो आप भी यू बियर विद मी। एक पुरानी कहावत आपने सुनी होगी कि एक किसान, और किसान भी छोड़ो मैं अपने ऊपर लेता हूं, एक जाट, उसका दोस्त था एक सेठ जी। सेठ जी भी क्या था, वो उसकी ग्रोसरी की दुकान थी, वो जो जनरल स्टोर छोटा मोटा। तो उससे पूछने लगा, यार सेठ कोई तरीका बता मेरे को भी, मैं भी पैसे कमा लूं। कहने लगा भैया बड़ा आसान है, पैसे को पैसा खींचता है, हो जाएगा ये तो। अब उसके दिमाग में बैठ गई ये बात कि हाँ पैसे को पैसा खींचता है। वो एक दिन उसी की दुकान में 5-7 दिन का बीच में टाइम देके उसी की दुकान पे आके उसने गल्ले में 1 रुपया था चांदी का वो फेंक दिया, और फिर खड़ा होके इंतजार करे। उसने फिर पूछ लिया क्या बात, कहने लगा 1 रुपया फेंका था तेरे गल्ले में, कुछ आया तो नहीं? वो कहता है तुम मुर्गे, ज्यादा थोड़े को खींचेगा या थोड़ा ज्यादा को खींचेगा, मेरे गल्ले में इतने पड़े तेरे 1 रुपया। ये कहावत आम, लेकिन मैं ये जरूर, आई विल गिव क्रेडिट टू आवर प्राइम मिनिस्टर कि उन्होंने इस कहावत को उल्टा कर दिया। मैंने खुद देखा, एक जब ये नोटबंदी हुई तो एक बागपत जो यूपी
का डिस्ट्रिक्ट है, यमुना पार दिल्ली के किनारे, उसका एक किसान आता था, मेरे को मिलने आता था कई बार। तो वो आया, मैंने, मेरे दिमाग में ये था कि ये ही मस्ट बी डिस्टर्ब्ड ऑन दिस अकाउंट, कि इसको पैसे वैसे नहीं मिले होंगे, वो जो ड्रॉ विड्रॉ करने थे, और इसने उन दिनों में बिजाई का सीजन था, शायद खाद वाद लेने में दिक्कत आई होगी, बीज बीज लेने में। तो मैंने कहा क्या भाई कोई तेरे को प्रॉब्लम है क्या? कहने लगा जी कोई प्रॉब्लम नहीं, मजे हो गए। मैंने कहा क्या, अगर मेरठ से बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं बैग लेके, और गांव में जिस तरह फेरी लगाता है ना सब्जी बेचने वाला, इस तरह फेरी लगाते हैं, कहते हैं कि तेरा अकाउंट है, तेरा बैंक में खाता है, कोई कहते है तो मेरे 2.5 लाख जमा करा दे। तो वो यूपी का आदमी शाना तो होता ही है। कहने लगा अच्छा ये तो बताओ चौधरी साहब, अगर मैं ना दूं तो वो पैसे? अब मैंने कहा मंत्री से नहीं पूछते, तुम और कहीं बात कर लिए जा। तो व्हाट आई मीन इज, एंड आई वांट टू मेक इट अंडरस्टैंड टू दोज हु आर, क्योंकि इससे डिस्टर्ब वो थे जिनके पास पैसा था, वो थे जो 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 ट्रेडर्स। वैसे तो हमारी पार्टी ट्रेडर्स की पार्टी है, हमारी पार्टी के बारे में ये भी है कि ये बिजनेसमैन और उद्योगपति की पार्टी है, लेकिन मैं ये उन लोगों को बता रहा हूँ जिस तरह बैंकों में 15 लाख करोड़ रुपया जमा हुआ। एंड यू नो ऑल देर आर टू अकाउंट्स, वन इज करंट अकाउंट जिसमें 0% इंटरेस्ट है, दूसरा अकाउंट 4% का है वो सेविंग का। तो सेविंग के अकाउंट में 4% भी अगर वो बैंक देंगे तो एक साल अगर वो पैसा जो 15 लाख करोड़ पड़ा है उसको बिजनेसमैन को नहीं देंगे, इंडस्ट्रीज को नहीं देंगे, तो 60,000 करोड़ का तो ब्याज भरना पड़ेगा बैंकों को। तो इसलिए मेरी अपनी कैलकुलेशन यही है कि यू वुड सी इन नियर फ्यूचर, आई कांट से दैट विद इन 15 डेज और विद इन मंथ्स और टू मंथ्स, बट इन नियर फ्यूचर यू वुड सी दैट द इंटरेस्ट रेट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर वुड ऑल्सो कम डाउन इन सिंगल डिजिट, इट मे कम डाउन टू एक्सटेंट ऑफ 7-7%। और अब कई जगह तो मुझे पता लगा ऑन सर्टेन आइटम्स नाउ दे आर चार्जिंग 8 point something। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम से हमारे देश की इकोनॉमी को अगर हम ट्रांसपेरेंसी दे सकते हैं तो दिस इज द ग्रेटेस्ट सर्विस यू आर डूइंग टू योर कंट्री। आई स्टिल रिमेंबर अबाउट 7-8 years बैक, मे बी 10 years बैक, व्हेन द इकोनॉमी ऑफ यूनाइटेड स्टेट वाज अंडर स्ट्रेस, रादर मोस्ट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स्ड और दे वर ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। तो जब ये बात सुनते थे तो हिंदुस्तान के लोग कहते थे अपने को घबराने की कोई लोड़ नहीं है। मैं कहा क्यों, अपनी 2 नंबर वाली भी चलती है ना। तो दिस काइंड ऑफ इकोनॉमी नाउ इफ इट इज स्क्वीज्ड, इफ इट इज पुट आउट ऑफ एक्शन, देन नेचुरली मैं ये कह सकता हूं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई मीन व्हाट आई टॉक ऑफ इनकम टैक्स, ये आज जो 32-33% पे है, 30% और उससे ऊपर, ये इट विल कम डाउन टू 20%। और जो नेट है उसका आप खुद अंदाजा लगा लीजिए हम कितने ईमानदार हैं। यानी हमारे देश में सिर्फ 14 लाख आदमी ऐसे हैं जो 10 लाख से ऊपर का टैक्स भरते हैं। तो हमारा जो सिस्टम है, ये सिस्टम इट रिक्वायर्स चेंज। और मैं ये आपको दावे से कह सकता हूं कि आने वाला समय ऐसा है, मैं अभी सिंगापुर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए थे, उनका ही डिलीवर्ड अबाउट 40 मिनट लेक्चर ऑन इकोनॉमिक्स। उसने एक बात कही जो मेरे पल्ले पड़ी,
बाकी तो बात और भी बहुत कही, उन्होंने कहा कि नाउ इंडिया कैन नॉट अफोर्ड ए ग्रोथ इन इकोनॉमी विच इज कॉल्ड स्लो ग्रोथ, वी विल हैव टू स्पीड अप आवर ग्रोथ। और ये आज हमारे देश की सबसे बड़ी एक चुनौती है, और आने वाले समय में मैं ये समझता हूँ कि इसका बड़ा भारी इम्पैक्ट होने जा रहा है, और जो लोगों की जो सोच है वो भी बदल रही है। सिर्फ ये नहीं है कि इकोनॉमिक्स बदलेगी तो सोच बदलेगी, लेकिन आज भी वी आर स्टिल आई रिपीट व्हाट आई सेड कि 1% लोगों के पास अगर 57% दौलत होगी तो जो डिस्पेरिटी है, गरीबी को तो यू कैन एलिमिनेट पॉवर्टी, बट डिस्पेरिटी इज इफ इट इज नॉट नैरो डाउन देन थिंग्स विल नॉट गो इन द राइट डायरेक्शन। दिस इज व्हाट द नीड ऑफ द आवर। तो इसलिए मैं आप सभी साथियों को ये कह रहा हूं कि दिस कैन नॉट बी डन बाय पॉलिटिकल लीडरशिप। यू आर टू रीअसर्ट योर पोजिशन एज ओपिनियन मेकर्स, और आप वेन यू वुड बी ऑन द फोर फ्रंट देन थिंग्स वुड चेंज। तो इसलिए आज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक हमारी बिरादरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, जिसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और मैं तो ये मान के चलता हूं कि अच्छे के लिए जब समाज के लोग आगे आते हैं, आपने देखा पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी आज से 7-8 शायद 10 साल पहले की बात है, जिस किस्म से वहां की डेवलपमेंट हो रही थी, हमारे वकीलों की वहां जो फौज थी उसने दे ब्रॉट द जुडिशरी ऑन द राइट ट्रैक, और जब जुडिशरी ने असर्ट करना शुरू किया तो दे ब्रॉट पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान ऑन द राइट ट्रैक, वरना तो इतना टाइम तो वो लगाते नहीं कि 10 साल तक कोई प्रजातंत्र चले। लेकिन वहां सबसे पहले अगर असर्ट किया तो लॉयर्स ने किया, और उसकी वजह से आज पाकिस्तान में मैं ये कह सकता हूं दे हैड द लॉन्गेस्ट स्पेल अंडर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, अदरवाइज तो वहां 5-4 साल में किसी को ओवरथ्रो करके और जनरल बैठ जाता है। तो इसलिए आपका बड़ा भारी रोल, बाकी आपने मुझे बुलाया और मैं आज तो इस हैसियत से आया हूं कि केंद्र में मंत्री हूं, इसलिए किंगड़ा ने यह भी कहा कि कुछ ना कुछ दान दक्षिणा, लेकिन कभी बिना पद के बुलाओगे तो मैं आई वुड बी मोर हैप्पी, और मैं आई वॉन्ट टू शेयर माई थॉट विद यू, मैं आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक टू, बट वेयर टॉक टू वेयर वन कैन अंडरस्टैंड। हम अपनी बिरादरी में बैठ के जितनी अपनी बात समझ सकते हैं कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते। तो इन्होंने 3-4 बातें रखी हैं, एक तो ये एडवोकेट वेलफेयर फंड 2001, ये मुझे इसका ज्यादा पता नहीं कि इसमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन में नोटिफिकेशन हुआ नहीं हुआ, दैट इज टू बी सीन, और ये मेरे ख्याल में नेशनल लेवल पे होगा, यहाँ तो होगा नहीं, स्टेट लेवल अलग होगा, स्टेट का अलग होगा, राजस्थान ने कर रखा है। अच्छा, हाँ तो स्टेट लेवल पे होगा तो हम बात कर सकते हैं गवर्नमेंट से, हरियाणा गवर्नमेंट से। और एक इन्होंने कहा कि बिजली के बिल दो, भाई वकील बिजली के बिल मांगेंगे तो जो किसान है फिर वो तो उसको नहीं देता, तो कहेगा जी जो वकील नहीं देते मैं क्या करूँ, इस तरह ना करो। नहीं नहीं हाई कोर्ट का ऑर्डर भी चेंज करा लो, कोई गल नहीं। दिस इज मैं तो बाकी ये है कि आप तो ये कह रहे आपका तो कनेक्शन ही कट गया, ये तो कनेक्शन कटा मीटर भी उखाड़ के ले जाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि आप मुख्यमंत्री को कहेंगे कि बादशाह दे घर मोतियां दा की काल, दे छड़ो थोड़ा बहुत कुछ, ठीक है ना। और फिर आपने ये बात जरूर सही है कि आपका जो बार रूम है इसका साइज बड़ा होना चाहिए, साइज से नहीं मैं तो ये कहता हूँ कोई अलग से बनवाओ और उसको ऑडिटोरियम टाइप बनवाओ ताकि मजा आए,
बोलने वाले को भी मजा आता है और सुनने वाले को भी मजा आता है, और बोलने में कहाँ बोल रहे हो वो जो एनवायरनमेंट है वो भी जरूरी है, लेकिन वो हम बात कर सकते हैं. आई कैन टेक अप दिस मैटर विद द स्टेट गवर्नमेंट, लेट देयर बी अ सेपरेट ऑडिटोरियम फॉर आर बार सिरसा. तो उसका उसके कई उसमें कई कॉन्फ्रेंस रूम भी होते हैं छोटे बड़े, तो लॉट ऑफ एक्टिविटीज कैन टेक प्लेस. और जैसे आपने कहा कि ई लाइब्रेरी वो भी वहाँ स्थापित की जा सकती है, और दैट कैन बी नियर इसी कॉम्प्लेक्स में हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं. बाकी ये जरूर है कि आपने अपने चैम्बर के लिए वो तो अभी कह रहे थे बन तो गए आपके, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो 11 लाख रुपए मैं अपनी तरफ से इसमें दे. बाकी आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब. मैं चाहूँगा कि भी हमारे वकील साथी जो हैं, हमारा जलपान जो कार्यक्रम है उसको शुरू करवा.